तो भाई नेटफ्लिक्स का धंधा नहीं चल रहा है और इसलिए अब उन्होंने अपने पैसे डबल करने के लिए एक नई स्कीम निकाली है। तो नेटफ्लिक्स ने मिला लिए रॉकस्टार गेम्स के साथ हाथ और नेटफ्लिक्स अब बनाएगा पहला ऐसा प्लेटफॉर्म जो बड़ी बड़ी AAA PC गेम्स को फोन में लाएगा, वो भी कम से कम पैसों में। तो अब सीन ये है कि नेटफ्लिक्स 14 दिसंबर से अपने ऐप पे GTA ट्रायलॉजी का डेफिनेटिव एडिशन रिलीज करने वाला है एंड जिनके पास भी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होगा ना, वो ये गेम को फ्री में खेल पाएंगे। मतलब कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बस एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तुम्हारा नेटफ्लिक्स का प्लान कम पैसों का हो या ज्यादा पैसों का कोई फर्क नहीं पड़ता, हर प्लान में ये गेम्स चलने वाली हैं। सबसे सस्ता प्लान आता है फोन के लिए 149 रुपीज का, तो तुम उसमें मूवीज भी देख पाओगे और AAA गेम्स जैसे GTA ट्रायलॉजी भी खेल पाओगे। तो अब बात करते हैं गेम में चेंजेस के बारे में कि क्या चेंजेस होने वाले हैं PC वर्जन में और मोबाइल वर्जन में। तो गेम डेवलपर्स के अकॉर्डिंग ये फोन वाला वर्जन जो है ना PC वाले वर्जन से भी ज्यादा अच्छा दिखने वाला है। बट कैसे, इसमें बस थोड़ी सी उन्होंने लाइटिंग इंप्रूव कर दी है और कलर टोन भी इंप्रूव कर दिया है, बट गेम को ना ओरिजिनल ही रखने की कोशिश की गई है। मैंने मोबाइल वर्जन के थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे तुम्हें शो कर दिए, तुम देख लो कि उन्होंने कलर में क्या तगड़ा चेंज किया है। और एक बात है कि GTA 4 और 5 तो फोन के लिए कभी नहीं आ पाएगी क्योंकि उनका साइज भाई बहुत ज्यादा बड़ा है और उनको पोर्ट करने में रॉकस्टार को होगी बहुत सारी मुश्किल। तो वो खाली GTA ट्रायलॉजी ही निकालेंगे, उसके बाद कोई और AAA गेम निकल सकती है जैसे मैक्स पेन वगैरह, बट हाँ GTA 4 और 5 तो रिलीज करने का उनका प्लान बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे अगर तुम्हें पता हो तो नेटफ्लिक्स पे पहले से ही 50 से ज्यादा इंडी गेम्स प्रेजेंट है और वो थोड़ी बहुत मूवीज पे बेस्ड हैं और थोड़ी बहुत ओरिजिनल स्टोरीज हैं और उनमें एड्स तो बिल्कुल नहीं आती, और जहां तक मैंने उनके रिव्यू देखे उनका गेम प्ले बहुत तगड़ा है। तो हाँ, तुम GTA ट्रायलॉजी डेफिनेटिव एडिशन के साथ बहुत सारी इंडी गेम्स भी फ्री में खेल पाओगे। अब बात करते हैं कौन से डिवाइसेस पे ये GTA ट्रायलॉजी चलने वाली है। तो भाई एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में चलेगी, बट कैच ये है कि बस एंड्रॉयड में तुम्हारा ना एंड्रॉयड का वर्जन 8.0 से ज्यादा होना चाहिए और आईफोन में तुम्हारे iOS का वर्जन 15 से ज्यादा होना चाहिए और तुम्हारे फोन स्पेस 25 GB से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि तीनों गेमों का ना टोटल स्टोरेज स्पेस है वो 25 GB है। अलग अलग करोगे तो वहाँ कम हो जाएगा, बट मैं तुम्हें अप्रोक्स बता रहा हूँ। और इन गेम्स को तुम प्री रजिस्टर भी कर सकते हो जिससे तुम्हें ये गेम सबसे पहले खेलने को मिले। अगर तुम्हें ये गेम्स प्ले स्टोर पे ना मिले तो तुम ब्राउजर पे जाके भी इन गेम्स को चेक कर सकते हो। तुम्हें बस ब्राउजर पे उन गेम का नाम लिखना और आगे नेटफ्लिक्स लिख देना है, जैसे GTA San Andreas नेटफ्लिक्स, तो तुम्हें प्ले स्टोर का एक लिंक बना जाएगा। जब तुम उस पर क्लिक करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली उस पर लिखाएगा नॉट कंपैटिबल, इसलिए ही तुम्हारी ये गेम प्ले स्टोर पे नहीं शो हो रही थी। और मेरे केस में भी यही हुआ, मेरे केस में भी प्ले स्टोर पे गेम शो नहीं हो रही थी और लिखा आया तुम्हारा डिवाइस कंपैटिबल नहीं है, लिया जबकि मैंने 1-2 साल पहले ही था अपना फोन। पर मुझे क्या भाई, मैं तो अपने PC में खेल लूंगा। तुम्हारे डिवाइस में ये गेम कंपैटिबल है या नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे, जो की है कि एपिक स्टोर पे और स्टीम पे यही सेम गेम 3000 से ऊपर की मिलती है और नेटफ्लिक्स तुम्हें यही सेम गेम प्रोवाइड करा रहे 150 रुपए के सब्सक्रिप्शन में, वो भी मूवीज के साथ और बाकी इंडी गेम्स के साथ भी। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये बहुत अच्छा ऑफर है। अगर तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स का पहले से ही सब्सक्रिप्शन है तो ये गेम को जरूर डाउनलोड कर लेना। बाकी मैं तो इसे PC में खेलने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही, बाय।